नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम सौरव है और हम इस चैनल पर बनाते हैं ट्रैवल वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस, प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन पर बताना कि आप कौन कौन से लोकेशन के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो, तो हम उन सब सिटीज़ का या उन सब लोकेशंस के वीडियो बना के यहाँ पे शेयर करेंगे आपके लिए। आज के दिन की शुरुआत हमने की है सज्जनगढ़ पैलेस से। क्या आप जानते हैं उदयपुर में ऐसा एक महल है जो शहर में सबसे अधिक ऊंचाई पे बना हुआ है, और बारिश के मौसम में इस महल के चारों तरफ बादल ही बादल चलते हैं। ये महल उदयपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर अरावली के पहाड़ों में बसा हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3100 फीट है। इसको उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। इस महल को सज्जनगढ़ पैलेस या फिर मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये महल मेवाड़ राज परिवार के अधिकार में था, लेकिन अब ये महल वन विभाग के अधिकार में है। यहाँ पर आप बाइक, कार दोनों से जा सकते हैं, क्योंकि ये महल सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के क्षेत्र में आता है, इसीलिए आपको मुख्य द्वार या फिर मेन गेट से टिकट लेनी पड़ती है। महल में प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार बना हुआ है। पत्थर का बना हुआ ये द्वार बहुत बड़ा और कलात्मक है। द्वार और महल को बनाने में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, और ये वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। महल में जीव जंतु उनके साथ वाइल्ड लाइफ को भी प्रदर्शित किया गया है। आदिवासी जीवन को भी दर्शाते हुए मॉडल बने हुए हैं। महल के पीछे की तरफ सुंदर जंगलों को देखा जा सकता है। यहाँ सनराइज और सनसेट का बड़ा सुंदर नजारा होता है। यहाँ पर आकर आप सनसेट का मजा ले सकते हैं। महल में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें जेम्स बॉन्ड मूवी की ऑक्टोपसी सबसे फेमस है। यहाँ के मंजिलों में जाने के लिए गोलाकार सीढ़ी बनी हुई है। अगर हम सज्जनगढ़ पैलेस के निर्माण की बात करें तो इसको निर्माण किया था महाराणा सज्जन सिंह ने मौसम का अध्ययन करने के लिए। बताया जाता है कि महाराणा सज्जन सिंह इस महल को 9 मंजिला इमारत के रूप में बनवाना चाहते थे, पर उनकी अकाल मृत्यु की वजह से ये योजना पूरी नहीं हो पाई। इस महल को बनवाने का और एक कारण ये बताया जाता है कि महल से अपने पूर्वजों का निवास चित्तौड़गढ़ को भी देखना चाहते थे। महाराणा सज्जन सिंह के मृत्यु के पश्चात महाराणा फतेह सिंह ने इस महल को 1819 में बनवाया था। 1956 में महाराणा भगवत सिंह ने इस महल को जनता को दान कर दिया था। इसके बाद हम सीधा आए हैं सहेलियों की बाड़ी देखने के लिए। सहेलियों की बाड़ी ये गार्डन है जो महाराणा संग्राम सिंह जी ने अपने रानी के लिए बनाया था। इसकी एंट्री फीस 20 रुपीज पर पर्सन है इंडियन सिटीजन के लिए, और फॉरेनर्स के लिए है 100 रुपीज पर पर्सन। तो चलिए इसे अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस वक्त इस गार्डन को बनाया गया था, तभी महारानी एंटर करती थी, ऐसे क्लैप करते ही फाउंटेन से पानी निकल के आता था, और इस तरीके से रानियों का वेलकम किया जाता था। ये इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन है। पूरा गार्डन घूमते घूमते मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके के फूल और वैरायटी टाइप्स के पेड़ है। घूमते घूमते मैंने एटलीस्ट 6 से 7 फाउंटेन्स देखे यहाँ पर, और फाउंटेन्स में जो आर्किटेक्चर बनी हुई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी हम चलेंगे बहुत ही एक अलग लोकेशन पर, जिसका नाम है अहर सेनोटाप। इस जगह पर 300 से भी ज्यादा समाधि है सारे मेवाड़ के रॉयल फैमिली की।
करीब करीब 19 महाराणाओं के यहाँ पर समाधि है। जो आपको बड़े टॉम्स दिखते हैं वो महाराणाओं के हैं, और जो छोटी छत्रिया है वो महारानियों का है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा छत्रिया है, और हर एक छत्रियों में उन्होंने जो डिटेल्स कार्व किया हुआ है वो देखने लायक है। वैसे तो ये क्रिमेशन एरिया है, बट क्रिमेशन एरिया में भी मेवाड़ के रॉयलनेस है वो उभर के आते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मंदिर है और एक कुंड भी है, जहाँ पर धड़क मूवी का शूट हुआ था। इस समाधियों के पास एक म्यूजियम भी है, जो कि आहड़ म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ का टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, और इसकी एंट्री फीस 3 रुपीज पर पर्सन है। और इस समाधियों को देखने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस पे नहीं करना पड़ता है। फतेह सागर लेक के पास ही आपको एक पार्क दिख जाएगा, जिसे राजीव गांधी पार्क भी कहा जाता है। वैसे तो ये एक नॉर्मल सा ही पार्क है, बट इस पार्क के एकदम टॉप लोकेशन से आपको फतेह सागर लेक का पूरा व्यू मिल जाता है। यहाँ पर मैंने अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा गार्डन को एक्सप्लोर किया, यहाँ के नज़ारों का मजा लिया, और उसके बाद हम सीधा चले गए दूसरे लोकेशन पर। अब हम सीधा आ गए हैं फतेह सागर लेक पे। इसे आप मरीन ड्राइव ऑफ उदयपुर भी कह सकते हो। यहाँ पे आते टाइम आसपास बहुत खाने पीने का जगह आपको दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बोटिंग ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल बोटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे स्पीड बोटिंग का भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फतेह सागर से थोड़ा सा ही आगे जाके एक अंडर द सन करके एक्वेरियम है, वहां पर भी जाके आप उस एक्वेरियम को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आप शाम को दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं। फतेह सागर में घूमते टाइम हमें दो नए दोस्त मिले। उन्होंने उस टाइम पे हम लोगों को बहुत हेल्प किया था। इनके साथ बात करते हुए कब हमारा 2-3 घंटा वहाँ पे निकल गया हमें पता ही नहीं लगा। इनका कंपनी इतना अच्छा था कि हम अगले दिन भी मिले और साथ में उदयपुर एक्सप्लोर किया।